गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 16वां लेसन पशुधन का सामान्य प्रबंध। ठीक है, जिसमें अपन ने जो प्रजनन की विधियां कल अपन ने स्टार्ट की थी, और उसमें प्राकृतिक कृत्रिम प्रजनन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक प्रजनन क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान या प्रजनन के लाभ क्या है, दोष क्या, वो भी देखे थे। फिर चरण अपन ने लास्ट में पढ़े थे कि कृत्रिम गर्भाधान के चरण क्या क्या होते हैं। ठीक है, चरण में पहला चरण अपन ने देखा था कि वीर्य को एकत्रित करना, वीर्य को एकत्रित करना। दूसरी चीज वीर्य का परीक्षण करना कि वीर्य कितना शक्तिशाली है, सांड का जो वीर्य है वो कितना शक्तिशाली है, स्पर्म कितना शक्तिशाली है। फिर देखिए तीसरा अपन ने वीर्य का जो तनुकरण होता है उसको एकदम तनु करना। ठीक है, चौथी चीज वीर्य का भंडारण, फिर वीर्य को इकट्ठा करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वीर्य लेके आगे और हाथों हाथ तो डाल नहीं सकते। मादा का भी मध्यकाल में मध्यचक्र में आना जरूरी होता है, पानी में गर्मी में आना, ताव में आना जरूरी होता है। ठीक है, जब वो ताव में आएगी तभी वीर्य अंदर डाल सकते हैं, लड़ना नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते तो वही चीज होती है। ठीक है, तो उनका पहले क्या किया जाता है, फिर भंडारण किया जाता है, फिर वीर्य का क्षेत्र। तो ये चीज तो अपन को चारों जो ऊपर के वाले पॉइंट थे, जो देखिए वीर्य को एकत्रित करना, परीक्षण करना, तनुकरण और भंडारण, ये अपन देख सकते हैं। फिर वीर्य का सेचन कैसे करते हैं, सेचन कैसे करते हैं, अर्थात वीर्य कैसे, जो वीर्य होता है वो मादा के गर्भाशय में कैसे डाला जाता है। ठीक है, मादा के अंदर कैसे डाला जाता है, तो वो अपन पढ़ते हैं मादा में वीर्य का सेचन। ठीक है, गाय व भैंस को गर्भित करने के लिए, गाय और भैंस को गर्भित यानी गर्भ से करने के लिए, उसको उनको प्रेग्नेंट करने के लिए रेक्टोवेजाइनल विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, गाय व भैंस को गर्भित करने के लिए रेक्टो वेजाइनल विधि का क्या करते हैं अपन, अधिक उपयोग किया जाता है, अधिक उपयोग किया जाता है रेक्टो वेजाइनल विधि का, ज्यादातर प्रयोग रेक्टो वेजाइनल विधि का करते हैं। अब इस विधि में क्या होता है, इसमें देखिए एक हाथ मल द्वार में डालकर, जो मल द्वार होता है उससे एक हाथ अंदर डाला जाता है, एक हाथ अंदर डाला, डालकर गर्भाशय ग्रीवा को क्या कर लेते हैं, अंदर डालकर पकड़ लेते हैं, गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ लेते हैं। इसमें एक हाथ मल द्वार से अंदर डालकर गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ लेते हैं, गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ लेते हैं अपन आराम से। ठीक है, फिर दूसरे हाथ से जीवाणु रहित जो प्लास्टिक की पिपेट होती है, यानी एक नलिका होती है प्लास्टिक की पिपेट, योनि से धीरे धीरे क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, योनि में धीरे धीरे डालते हैं। ठीक है, एक हाथ से तो मलद्वार द्वारा अंदर डाला, तो क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, दूसरे हाथ से क्या करते हैं अपन, धीरे 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 प्लास्टिक की पिपेट योनि द्वारा अंदर डालते हैं, दूसरे हाथ से प्लास्टिक की पिपेट योनि द्वारा धीरे धीरे अंदर डालते हैं, योनि से होते हुए क्या करते हैं, धीरे 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 अंदर डालते हैं। ठीक है, और जीवाणु रहित
प्लास्टिक की पीपेट दूसरे हाथ से यहां आप कर लेना जीवाणु रहित रहता जो जीवाणु वाली नहीं हो, क्योंकि जीवाणु वाली अंदर डालेंगे तो सीधी गर्भाशय में वो जीवाणु पहुंच जाएंगे और वो नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसलिए जीवाणु रहित प्लास्टिक की पीपेट अंदर डाली जाती है। ठीक है, पीपेट का एक सिरा तो क्या करता है, गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचना चाहिए। इसमें प्रीपेड का तो एक सिरा तो क्या होता है, जो अपन ने आगे की तरफ डाला वो तो कहां जाना चाहिए, गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचना चाहिए। तथा बाहरी सिरे से क्या करना चाहिए, 0.5 से 2 मिलीलीटर वीर्य को पिचकारी द्वारा अंदर पहुंचाना चाहिए। उसका प्रीपेड को अंदर देखिए, जो दूसरा भाग एक हाथ से, तो अपन ने देखिए ये मान लो प्रीपेड है, एक तो ये यहां पर गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंच गया है, गर्भाशय और ये इसकी ग्रीवा है। ठीक है, दूसरा यहां पर बाहर वाला जो भाग है उसमें वीर्य कितना, 0.5 से 2 ml वीर्य पिचकारी द्वारा यहां अंदर डालना चाहिए, जिससे वो आगे सरकते हुए कहां पहुंच जाए, गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ गर्भाशय में पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए आगे, पिपेट का एक सिरा तो गर्भाशय तक पहुंचना चाहिए, पिपेट का एक सिरा गर्भाशय तक पहुंचना चाहिए, एक सिरा तो गर्भाशय तक पहुंचना चाहिए तथा दूसरे बाहरी सिरे से 0.5 से 2 ml वीर्य को पिचकारी द्वारा अंदर पहुंचा देते हैं, तथा बाहरी सिरे से 0.5 से 2 मिलीलीटर वीर्य को पिचकारी द्वारा अंदर पहुंचा देते हैं, 2 मिलीलीटर वीर्य को पिचकारी द्वारा अंदर पहुंचा देते हैं, पिचकारी द्वारा क्या कर देते हैं, अंदर पहुंचा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार पशु को कृत्रिम विधि से क्या किया जाता है, गर्भित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पशु को कृत्रिम विधि से गर्भित किया जाता है, इस प्रकार से क्या करते हैं, पशु को कृत्रिम विधि से अपन गर्भित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो विधि जो हो गई वो रेक्टोवेजाइनल विधि। सवाल पूछा जा सकता है कि रेक्टोवेजाइनल विधि क्या होती है, या रेक्टोवेजाइनल विधि से आप क्या समझते हैं, समझेंगे 2 नंबर का सवाल, तो अपन को बताना है ये कैसे होता है। ठीक है, रेक्टोवेजाइनल विधि, ठीक है, भेड़ बकरी के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग करते हैं, जो भेड़ बकरी होती है उसमें आकार में छोटी होती है, तो उनके लिए कौन सी वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग करते हैं, तो नॉट। गाय भैंस के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं, रेक्टोवेजाइनल विधि का, और भेड़ बकरी के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग करते हैं, स्पेकुलम विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब गर्भाधान का यानी गर्भ धारण करने का उचित समय क्या होता है,
उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, कि गर्भाधान का उचित समय क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो अपन को ध्यान रखने चाहिए। तो गर्भाधान का उचित समय क्या क्या है वो अपन चर्चा करते हैं। पहले आप क्या करें, चलो इसी में लिखते चलते हैं, गर्भाधान का उचित समय। अगला जो टॉपिक है हमारा, गर्भाधान का उचित समय, ये जो अपन ने पढ़ा मादा में वीर्य सेचन वो कृत्रिम गर्भाधान का एक आखिरी चरण था, यही हमारे कोर्स में है, इसलिए वही पढ़ा है अपन ने। ठीक है, देखिए गर्भाधान का उचित समय क्या होता है, तो इसके निम्न लिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु है कौन कौन से है, तो देखिए पहला, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि क्या होती है, 120 घंटे मानी गई है। जो अंडाणु जो गाय के अंदर जीवित रहता है वो 120 घंटे तक जीवित रहता है, यानी 120 घंटे में 24 का अगर अपन भाग देते तो ऑलमोस्ट 5 दिन तक क्या करता है अंडाणु जीवित रहता है, 5 दिन रात तक अंडाणु जीवित रहता है। ठीक है, अंडाणु जीवित रहता है, इन 5 दिनों में अगर अपन वीर्य सेचन कर दिया है या सांड द्वारा जो नर पशु है उसके द्वारा क्या कर दिया जाए, सांड द्वारा क्या कर दिया जाए, मैथुन क्रिया की जाए और अपना वीर्य गाय मादा की योनि से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचा दिया जाए तो क्या होता है, मादा गर्भित हो सकती है। ठीक है, गाय के जनन अंग में, पहला है गाय के जनन अंग में, गाय के जनन अंग में, गाय के जनन अंग में अंडाणु 120 घंटे तक जीवित, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने, सॉरी अंडाणु के जीवित रहने की अवधि 120 घंटे मानी गई है, कम से कम। ठीक है, 120 घंटे, इससे तो इससे थोड़ा ज्यादा या 2-4 घंटे कम भी हो सकता है, 2-4 घंटे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, गाय के जनन अंग में जो जीवाणु शुक्राणु की जो जीवन अवधि होती है वो 24 से 30 घंटे होती है, गाय के जनन अंग में अंडाणु की जीवन अवधि 120 घंटे मानी गई और शुक्राणु की जो मान लो अपन ने गाय मादा के अंदर अंडाणु अभी छूटा ही नहीं है तीव्र ग्रंथियों से, स्रावित नहीं हुआ है, निष्कासित नहीं हुआ है, फिर भी अपन ने वीर्य सेचन कर दिया तो वो 24 से 30 घंटे तक शुक्राणु क्या होगा, अंदर रहेगा, जीवित रहेगा। इस 24 से 30 अभी छोड़ा है तो 24 से 30 घंटे तक क्या होगा, शुक्राणु जीवित रहेगा। इस बीच अगर अंडाणु वहां आ गया निकल के, ठीक है, तो उनके बीच क्रिया होकर मादा गर्भित हो सकती है। ठीक है, गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि 24 से 30 घंटे होती है, गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि 24 से 30 घंटे होती है, 24 से 30 घंटे होती है। ठीक है, 24 से 30 घंटे तक वो जीवित रहता है। ठीक है, आगे देखिए, गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जो विकास अवधि होती है वो 6 घंटे होती है, अगर अविकसित शुक्राणु भी अगर अपन ने डाल दिया तो वो गाय के जनन अंग में 6 घंटे में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, पूर्ण विकसित हो जाएगा। गाय के जनन अंग में शुक्राणु की विकास अवधि
छह घंटे होती है। छह घंटे तक वो विकसित हो सकता है, विकास अवधि छह घंटे होती है। ठीक है, अब गाय जैसे क्या होती है, ऋतुमय होती है, अर्थात जैसे ही वो ऋतुमय होती है, गर्मी में आती है, पाले में आती है, उसके ऋतुमय होते ही 4 से 8 घंटे के भीतर अगर उसको गर्भित कर दिया जाए, शुक्राणु अंदर भेज दिया जाए, वीर्य अंदर भेज दिया जाए और उसको गर्भित करा दिया जाए, तो हमें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं, सबसे बेस्ट परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात सबसे बेस्ट समय वो होता है जब मादा गर्भित हो सकती है। ठीक है, स्क्रीन शॉट लिया पहले आप इसका, फिर आगे देखते हैं। देख आगे अगर अपन चर्चा करें तो नोट बना के गाय के ऋतु में होने के 4 से 8 घंटे में गर्भित कराने पर श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। नोट, गाय के ऋतुमयी होने पर 4 से 8 घंटे बाद गर्भित कराने से बाद गर्भित कराने से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे श्रेष्ठ परिणाम कब प्राप्त होते हैं, जब गाय ऋतु में होने के उसके ऋतु में होते उसके 4 से 8 घंटे में अपन क्या कर दे, उसकी महत्वपूर्ण क्रिया करवा दे, यानी जैसे ऋतु में हुई या तो कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहते हैं अपन तो क्या करें, उसमें वीर्य सेचन कर दे। ठीक है, वीर्य क्या सेचन कर दे, तो 5 विधि रेक्टोवेजाइनल विधि द्वारा कर दे। ठीक है, और नहीं तो सांड लाए, सांड से उसकी महत्वपूर्ण क्रिया करवा दे। ठीक है, अगला देखिए, मध्यकाल प्रारंभ होता है, मध्यकाल प्रारंभ होने के 12 घंटे पश्चात ही पशु को गर्भित कराते हैं। जैसे ही मध्यकाल शुरू हुआ उसके 12 घंटे बाद ही पशु को क्या करते हैं, गर्भित कराते हैं। क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, तो उससे पहले क्यों नहीं करते, क्योंकि इस अवधि में पशु के गर्भ ठहरने की अधिक संभावना रहती है। 12 घंटे तक क्या होता है, गर्भ ठहरने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। देखिए आगे नोट, मध्यकाल प्रारंभ होने के 12 घंटे पश्चात ही पशु को गर्भित करवाते हैं, क्योंकि इस अवधि में पशु के गर्भ ठहरने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इस अवधि में पशु के गर्भ ठहरने की संभावनाएं सर्वाधिक रहती है, सर्वाधिक रहती है। ठीक है, आगे देखिए गर्भधान का
ये तो हो गया हमारे, देखिए जो अपन पढ़ रहे थे गर्भाधान का उचित समय क्या होता है वो अपन ने देख लिया, ठीक है। अब गर्भाधान का सामान्य परीक्षण या लक्षण क्या होते हैं, अब हम कैसे पता कर सकते हैं। चलो वीर्य सेचन कर दिया है सांड द्वारा, मैथिन क्रिया भी करवा दी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई गाय प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। तो गर्भाधान का सामान्य लक्षण या परीक्षण, ठीक है, गर्भाधान के सामान्य लक्षण या परीक्षण। गर्भाधान के सामान्य लक्षण या परीक्षण, कैसे पता चलेगा कि भाई वो हुई है कि नहीं हुई है गर्भी। तो पहली चीज है, गाय का 21 दिन के बाद दोबारा ऋतुमय नहीं होना। जैसे ही ऋतुमय हुई उसके 4 से 8 12 घंटे भीतर क्या करवा दिया अपन ने, उसका मैथुन क्रिया करवा दी है या वीर्य सेचन कर दिया। फिर 21 दिन बाद अपन देखते हैं कि फिर से वो ऋतुमय नहीं हुई है, तब तो क्या हो गई है, गाय प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। और अगर हो गई फिर से ऋतुमय हो गई, मतलब शुक्राणु और उसमें अंडाणु का मिलन नहीं हुआ, निषेचन क्रिया नहीं हुई और वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ऐसा कैसा मादा के अंतर्गत, ऐसा कैसा मनुष्य के अंतर्गत होता है। जब मनुष्य में महिला और पुरुष क्या करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं और अपना वीर्य पुरुष जो होता है महिला के अंदर सेचित करता है, छोड़ता है, ठीक है। तो अगर साइक्लिंग का टाइम जो MC होता है, ठीक है, मासिक चक्र मंथली साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें मादा जो महिला होती है उसके प्राइवेट पार्ट से क्या होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती है, तो वो अंडाणु बनता है। 28 दिन बाद वो MC वापस आती है, जो मासिक चक्र होता है वो पुनः दोहराया जाता है। अगर 28 दिन बाद क्या होता है, फिर से मादा महिला के अंदर क्या होता है, MC मासिक चक्र नहीं आता है ऋतु में, वो उनका ब्लीडिंग नहीं होती है प्राइवेट पार्ट से, तो हम समझ सकते हैं कि महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, यानी उनके पीरियड्स मिस हो गए। सामान्य भाषा में जो पीरियड्स अपन बोलते हैं, वो पीरियड्स अगर मिस हो जाए तो हम कह सकते हैं कि महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, और पीरियड्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं तो महिला प्रेग्नेंट नहीं है। यही चीज गायों में होती है, अगर 21 दिन बाद फिर से ऋतुमय हो जाती है तो क्या हो जाती है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, और ऋतुमय नहीं होती है तो मतलब गाय प्रेग्नेंट है। तो गाय का 21 दिन के बाद दोबारा ऋतुमय नहीं होना क्या इसका सूचक है गाय के प्रेग्नेंट होने का। गाय का 21 दिन बाद दोबारा दोबारा ऋतुमय नहीं होती है, दोबारा ऋतुमय नहीं होती है, ठीक है, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या कहता है, गाय का शरीर तथा अयन समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है। गाय का शरीर भी क्या होता है, समय के साथ फूलता जाता है, क्योंकि बच्चा विकसित हो रहा है और उसका जो अयन होता है गर्भाशय, अयन कह सकते हैं, पेट जो होता है वो फूलता जाता है। तो गाय का शरीर व अयन समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है। गाय का शरीर तथा अयन समय के साथ बढ़ता जाता है, समय के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता, समय के साथ बढ़ता जाता है। तो तीसरी चीज, गाय क्या रहती है, शांत रहती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो गाय क्या होती है, शांत रहती है, ठीक है। दूसरा लक्षण कहता है क्या, कि शरीर व आयन अगर समय के साथ बढ़ते तो प्रेग्नेंट है। तीसरी चीज लक्षण ये होता है, गाय शांत बैठी रहती है। जब वो शांत बैठी रहती है तो इसका मतलब वो क्या है, प्रेग्नेंट है। गाय शांत रहती है तथा सांड के पास भी नहीं जाती है, सांड के पास नहीं जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है तो सांड के पास नहीं जाती है, ठीक है। तीसरा लक्षण है, गाय शांत रहती है तथा सांड के पास नहीं जाती है, सांड के पास नहीं जाती है, ठीक है, ये लक्षण है। गाय शांत बैठी रहती है और सांड के पास नहीं जाती, तो मतलब वो प्रेग्नेंट है, ठीक है।
आगे देखिए, 3 महीने, सॉरी 3 से 4 महीने में गर्भावस्था में पेट में बच्चा हिलता डुलता रहे, हिलता अनुभव होता है। जैसे आज अपन ने वीर्य सेचन करवाया है तो वो प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई है, 3 ऋतु में भी नहीं हुई है तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है, चांसेस पूरे हैं। ऋतु में के जो दिन होते हैं 21 से 25 दिन, 30 दिन भी हो सकते, ऊपर नीचे हो सकता है पीरियड्स का टाइम उनका, ठीक है। लेकिन 3 से 4 महीने बाद अपन क्या देखते हैं, उनके जो शरीर होता है पेट के अंदर क्या होता है, महीने में गर्भावस्था में पेट में बच्चा क्या हिलता हुआ अनुभव महसूस होता है, उनके पेट में ही बच्चा हमें हिलता हुआ महसूस होने लग जाता है। तीन से चार महीनों में गर्भावस्था में, 3 से 4 महीनों में गर्भावस्था में पेट में बच्चा हिलता अनुभव होता है, गर्भावस्था में पेट में बच्चा हिलता अनुभव होता है, पेट में बच्चा क्या होता है, हिलता हुआ अनुभव होता है हमें, ठीक है, हिलता हुआ अनुभव होता है, ठीक है। तो ये गर्भाधान के लक्षण है कि हाँ गर्भाधान हो चुका है। देखिए गर्भाधान के 60 दिन बाद गर्भधारण की जांच की जाती है, गर्भाधान जब अपन ने करवाया है कहते हैं गर्भाधान, तो उसके 60 दिन बाद उसके गर्भधारण की जांच की जाती है, क्योंकि स्पष्ट लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं, हम उनकी मेडिकल टेस्ट करवा के, गाय की मेडिकल टेस्ट करवा के क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हाँ गर्भाधान हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। गर्भाधान के 60 दिन बाद गर्भधारण की जांच की जाती है, ठीक है, इसके जोर ले ले आप इसका एक बार, फिर आगे देखते हैं। ये लक्षण थे जो अपन ने देख ली, अब कुछ गर्भाधान की मुख्य बातें 4-5 बातें वो देख लेते हैं अपन। देखिए गर्भाधान के 60 दिन बाद गर्भधारण की जांच की जाती है, तो देखिए गर्भाधान के 60 दिन बाद गर्भ धारण की जांच की जाती है, गर्भ धारण की क्या की जाती है, जांच की जाती है, ठीक है। फिर देखिए आगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, गर्भ धारण की जांच के लिए कौन सी विधि, रेक्टम पाल्पलेशन विधि का अपनाते हैं, प्रचलित है, ठीक है। गर्भ धारण जांच के लिए गर्भ धारण जांच के लिए रेक्टम पाल्पेशन विधि प्रचलित है, पाल्पेशन विधि क्या है, प्रचलित है, ठीक है। इस विधि में एक हाथ में क्या करते हैं, दस्ताना पहनकर साबुन लगाकर, इसमें क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं, एक हाथ में तो दस्ताना पहन लेते हैं अपना अच्छे से, ठीक है, यानी ग्लव्स पहन लेते हैं, दस्ताना मतलब ग्लव्स पहन लेते हैं, एक हाथ में दस्ताना पहनकर, और उस दस्ताने के ऊपर क्या करते हैं, साबुन लगाकर पशु के रेक्टम में हाथ डालकर गर्भाशय तक, गर्भाशय को क्या करते हैं, छूते हैं। इस विधि में एक हाथ में दस्ताना पहनकर तथा साबुन
लगाकर, दस्ताना पहनकर तथा साबुन लगाकर, दस्ताना पहनकर तथा साबुन लगाकर पशु के रेक्टम में हाथ डालकर क्या करते हैं? छूते हैं। लगाकर पशु के रेक्टम में हाथ डालकर छूते हैं, उनको टच करते हैं हाथ डालकर, ठीक है। फिर क्या बताता है? एक छोटी वस्तु महसूस होने पर पशु गर्भित या गया भी होता है। अगर एक छोटी वस्तु हमें महसूस होती है, छोटी सी बच्चे की तरह वो वस्तु महसूस होती है, तो हम कह सकते हैं कि पशु क्या है? गर्भित या गया भी है। एक छोटी वस्तु महसूस होने पर पशु गर्भित या गयाबीन होता है। पशु गर्भित या गयाबीन होता है, ठीक है। फिर देखिए, गर्भावस्था एवं प्रसव के समय पशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए? पशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए अपन को गर्भावस्था एवं प्रसव में? पशु की देखभाल गर्भावस्था जब मादा प्रेग्नेंट हो व प्रसव के समय जब उसकी डिलीवरी हो, प्रसव में पशु, प्रसव में पशु की देखभाल, देखभाल कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मादा पशु में जो मल चक्र बंद हो जाना, ठीक है, अब कौन कौन से लक्षण हैं जिससे अपन पता चलते हैं गर्भ धारण के लक्षण हैं कुछ और? तो देखिए, मादा पशुओं में वयस्क मल चक्र का बंद हो जाना, मादा पशु में मल चक्र का बंद हो जाना, मल चक्र का क्या हो जाना? बंद हो जाना, ठीक है। दूसरी चीज है पेट का आकार बढ़ना, पेट का आकार बढ़ना, ये पेट का आकार बढ़ना, शरीर का भार बढ़ना, शरीर का भार बढ़ना, मादा के अयन का आकार बढ़ना, मादा के अयन का आकार बढ़ना, मादा के अयन का क्या करना? आकार बढ़ना, ठीक है, मादा के अयन का आकार बढ़ना। फिर देखिए, शरीर में शिथिलता आना, थनों का फूल जाना, शरीर में शिथिलता आना, थनों का फूल जाना, थनों का क्या हो जाता है? फूल जाना एवं दुग्ध उत्पादन क्या होना? घटना व बंद होना, आदि पशु के क्या होते हैं? गर्भावस्था के लक्षण है। आगे क्या होता है? दुग्ध उत्पादन घटना, दुग्ध उत्पादन क्या होना? घटना व बंद हो जाना, व बंद होना, दुग्ध उत्पादन का घटना व बंद होना आदि पशु के गर्भावस्था के लक्षण है। ये सब पशु के गर्भावस्था के क्या है? लक्षण है, ठीक है। गर्भावस्था में मादा की देखभाल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है? गर्भावस्था में लक्षण है। किसके? गर्भावस्था के लक्षण। अब पशु के ध्यान रखना के देखभाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के ब्याने
कि सात से नौ सप्ताह पूर्व क्या कर देना चाहिए, हमें दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। सात से नौ सप्ताह पहले यानी लगभग दो महीने पहले अपन को क्या कर देना चाहिए, दूध निकालना बंद कर देना चाहिए ताकि पशु का दूध सूख जाए। जिससे क्या होता, पशु का दूध अंदर ही सूख जाए, ठीक है। गर्भवती गाय से, गर्भवती जो गाय होती है, गाय से उदारता का व्यवहार करना चाहिए। जो गाय गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, उससे उदारता का व्यवहार करना चाहिए, यानी उसको लाड प्रेम से रखना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छे से उसको रखना चाहिए। कहने का मतलब, गर्भकाल के अंतिम तीन माह में लगभग एक केजी अतिरिक्त दाना देना चाहिए। जैसे ही गर्भकाल खत्म होने वाला हो, ब्याहने वाली हो, गाय भैंस जो भी हो वो ब्याहने वाली हो, उस ठीक है, डिलीवरी होने वाली हो, तब उसको एक केजी अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अंतिम तीन माह में अतिरिक्त दाना देना चाहिए, अतिरिक्त खाना देना चाहिए। सब गाय को भगाना नहीं चाहिए, जब वो प्रेग्नेंट हो गाय तो उसको भगाना बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ठीक है। गाय को भगाना नहीं चाहिए और अधिक परिश्रम नहीं करवाना चाहिए, न ही अधिक परिश्रम करवाना चाहिए, ना उससे कोई ज्यादा काम करवाना चाहिए जो प्रेग्नेंट, ठीक है। गर्भ विकास व गाय स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भ का विकास अच्छे से हो, गाय का जो स्वास्थ्य वो अच्छा बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें उसको संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित समय पर सही आहार, सही खाना देना चाहिए। खनिज लवण की भी उचित मात्रा देनी चाहिए हमें, खनिज लवण की भी क्या करनी चाहिए, उचित मात्रा देनी चाहिए उसको, ठीक है। फिर देखिए पशुधन का जो सामान्य प्रबंधन में अपन जो देख रहे थे, मादा के गर्भाधान में ध्यान रखने वाली जो यूके पाते हैं वो देख रहे थे, ठीक है। पाचनशील भोजन देना चाहिए, आगे हमें उसमें पचाने वाला, जो गाय पचा सके गर्भावस्था में, वैसा भोजन देना चाहिए, ठीक है। गर्भवती गाय को अन्य गाय से अलग रखना चाहिए, दूसरी गायों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि कहीं गायों के बीच लड़ाई हो गई तो गर्भ गिरने की संभावना रहती है, ठीक है। फिर गाय को प्रसव के दिन से 15 से 20 दिन पूर्व बाहर चरने भेजना बंद कर देना चाहिए। गाय बाहर चरने जाती है, जैसे ही उसकी डिलीवरी का टाइम हो उससे लगभग एक महीने या 15 से 20 दिन तक क्या करना चाहिए, दिन पहले ही क्या कर देना चाहिए, उसको बाहर चरने भेजना ही नहीं चाहिए, उसको अंदर ही रखना चाहिए, ठीक है। चिकने फर्श पर घास फूस बिछा देने चाहिए, क्योंकि अगर गाय फिसल गई और पेट के पर नीचे गिरेगी तो उसके प्रसव, उसके अंदर बच्चे को नुकसान होने की संभावना रहती है, और प्रसव या गर्भ गिरने की भी संभावना रहती है, ठीक है। गाय को गर्म वस्तुएं खिलानी चाहिए, गाय को गर्म वस्तुएं नहीं खिलानी चाहिए, ठीक है। गर्म वस्तुएं नहीं खिलानी चाहिए, गाय को गर्मी सर्दी से भी बचाना चाहिए, गर्मी सर्दी जब भी हो गाय को, प्रेग्नेंट गाय को बचाना चाहिए, ठीक है। ब्याहने के लगभग एक सप्ताह पहले क्या करना चाहिए, उसको 50 से 100 ग्राम अजवाइन प्रतिदिन देनी चाहिए, प्रतिदिन खाने के तेल के साथ देनी चाहिए, खाने के तेल के साथ अजवाइन देनी चाहिए, कितनी, 50 से 100 ग्राम डेली, ठीक है। ये कुछ लक्षण थे जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। कल अपन इस अध्याय को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पशुधन के सामान्य जो प्रबंधन है उसका पांचवा पार्ट, वो हमारे इस अध्याय का आखिरी पार्ट होगा। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, कल फिर से एक बार और कंप्लीट करेंगे इस अध्याय को। आज जो भी पढ़ा वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।